तो हेलो व्हाट्स अपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विन पिक्सल। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्रेस को लवली कमेंट्स को लवली वाला शाउट आउट। और गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है कि आप लोग क्यों आपका आइलैंड क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपका सर्वर ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों आपका आइलैंड डिलीट हो गया है। आई नो कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। तो गाइस आज की क्लियरली इस वीडियो के अंदर मैं यही सवाल आप सबके सॉल्व करने वाला हूँ। बिकॉज देखो गाइस, हाल ही में अभी ही आई थिंक सो सर्वर अभी क्रैश हुआ था, जिसके अंदर से आपका कुछ आइलैंड का डेटा वगैरह सब जा चुका है, जिससे आप लोग आइलैंड वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, ना ही आपका आइलैंड क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारा टेंशन हो गया। तो गाइस प्लीज़ टेंशन मत लो। ठीक है, अभी आपने शायद से विन पिक्सल का अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे जो उनका ओनर था उन लोग ने सब चीज़ें बता दी कि क्या हुआ था सर्वर के साथ। और मैं पहले ही बता दूँ, सर्वर हैक नहीं हुआ था गाइस। ठीक है, अगर जिसने भी ये फैलाया तो गाइस मैं पहले ही बता दूँ, सर्वर हैक नहीं हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली गाइस ये कुछ इनका जो होस्टिंग है, ठीक है, विन पिक्सल का जो होस्टिंग था, जो नोड होती है जिससे ये सर्वर बनता है वगैरह, तो उसका कुछ एरर आ गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि जो भी पूरा सर्वर का जितना भी डेटा है वो तो सेफ है, पर जो आपके आइलैंड्स जो होते हैं उसका जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, ओनर ने भाई उनकी साइड से बहुत ट्राई करी कि सब चीज़ें जो भी बैकअप था वो सब इसके अंदर डाल दे वगैरह, सब कुछ कर दे, बट एक्चुअली जो मेन बैकअप था वो पूरा था नोड के अंदर। ठीक है, जिसको बैकअप वो ले ही नहीं सकते, अगर नोट्स का कुछ एरर आ जाता है तो अगर वो बैकअप डिलीट हो जाता है तो उसको अपने वापस दोबारा नहीं ले सकते। इसके वजह से आपका जितना भी जो सर्वर के अंदर जो भी आपका आइलैंड था उसका जो भी डेटा है, जो आपकी ग्राइंडिंग वगैरह थी, वो सब जा चुकी है। बट ओनर ने अभी हम लोग ने मैंने और डीके भाई ने ओनर से बात की थी, उन लोग ने अश्योर किया है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस देखो, इतने बड़े सर्वर के अंदर कुछ ना कभी तो यार प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम उनके साइड से नहीं थी, ये प्रॉब्लम एक्चुअली हुई नोड के साइड से। ठीक है, तो अब वो नोड का तो गाइस अपने कुछ कर नहीं सकते, तो जो भी आपका जो डेटा वगैरह था, जो भी आपका आइलैंड का जो ग्राइंडिंग वगैरह थी वो तो जा चुकी है, बट अगर आपके जो आपका जो होता है प्लेयर वॉल्ट, उसके अंदर अगर आपका कुछ सामान पड़ा होगा, या तो फिर आपके जो आपकी इन्वेंट्री होती है अगर उसके अंदर आपका सामान पड़ा होगा, तो वो आपका रहने वाला है, उसका कोई इश्यू नहीं होने वाला है। बट अगर आपका कोई सामान चेस्ट के अंदर है जो कि आइलैंड के ऊपर है, तो वो सामान गाइस चला जाएगा। मतलब आपने जो भी ग्राइंडिंग वगैरह वहाँ पे आइलैंड के ऊपर यूँ समझ लो करी है, जैसे कि मिनियंस, फिर आपका कुछ टूल। और गाइस साथ ही साथ इस सर्वर की बहुत सारी जो ग्लिच बग्स वगैरह जो भी था वो फिक्स आउट हो चुका है, जैसे कि यार आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे सर्वर के अंदर, जैसे कि वो आपको डाउनलोड पैक वगैरह बता रहा था, तो ओनर ने उनकी साइड से वो भी सॉल्व कर दिया है। मतलब आप अच्छे से ज्वाइन हो सकते हो अब डायरेक्टली। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि मैंने कस्टम आर्मर्स वगैरह वो भी डाल दिए। ठीक है, तो गाइस एज अ कंपेशन ओनर ने यहाँ भी बोला है कि मैं शायद कुछ लोग, मतलब कुछ नहीं, जितने भी बंदे हैं उन लोगों को मैं 5-5 या तो 2-2 मिनियंस दे दूंगा, या तो कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे वो उनका वापस से दोबारा शुरू कर सके। ठीक है, और आई थिंक सो अभी सर्वर की जो कैपेसिटी है वो भी 100 से 500 हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बट गाइस कोई बात नहीं यार, चलता रहता है यार, मैंने भी बहुत सारी ग्राइंडिंग करी थी, तो अब मैं रिवर्स ग्राइंड करूँगा, मतलब दोबारा ग्राइंड करेंगे अपने कुछ नई स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो मज़ा आएगा जर्नी के अंदर दोबारा से। ठीक है, बिकॉज यार बहुत सारे मिनियंस अपने पास भी हो गए थे, तो अपना जो अब जो गिव अवे है वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करने वाला गिव अवे, अपने गिव अवे भी करेंगे। तो बस गाइस, और दूसरी बात कि आप लोगों का अगर इशू आता है कि आपका जो बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह आपने बेच दिया है या कुछ एरर हो गया, तो गाइस वो दोबारा से आप लोग ले सकते हो। उसका कमांड है आई थिंक सो स्लैश बैंक रिफंडेबल, ऐसा कुछ है, तो आप वो यूज़ कर लेना, आपको आपका क्रेडिट कार्ड या वो कार्ड दोबारा आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर इसके इससे और कुछ ज़्यादा आपको कुछ इश्यूज आते हैं वगैरह, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या तो गाइस आप लोग विन पिक्सल का डिस्कॉर्ड आप चेक कर सकते हो, अनाउंसमेंट के अंदर आपको हर चीज़ से पता चल जाएगी कोई भी एरर वगैरह आता है तो। और दूसरी बात कि उनका ओनर, मतलब 24/7 तो बोल नहीं सकते, बट उनका ओनर भी ऑनलाइन रहता है, और उनका जो हेल्प का जो सेंटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा सही है, आपको कुछ भी एरर आता है वहाँ पर आपको तुरंत वो लोग हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस तो आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो थी आज हम यहीं एंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।